पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को लेकर इस वक्त तरह तरह की खबरें मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर वायरल हो रही हैं। किसी खबर में सीमा हैदर को प्रेग्नेंट बताया जाता है तो किसी खबर में उनके नोएडा से कराची तक के टिकट कटने की बात सामने आती है। खबरें ये भी हैं कि बहुत जल्द वो पाकिस्तान डिपोर्ट की जाएंगी, जबकि खबरें ये भी आ रही हैं कि सीमा को भारत की नागरिकता मिल जाएगी और वो यहीं पर रहेगी। इन तमाम खबरों के बीच अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ दिखाई दे रही है। इस 14 सेकंड के वीडियो की सबसे बड़ी खासियत यही है कि सीमा हैदर बिल्कुल हिंदुस्तानी अवतार में नजर आ रही है। माता की चुनरी उसने अपने माथे पर बांधी हुई है, ठीक उसी तरीके से जिस तरह से आप और हम बांधते हैं जब हम वैष्णो देवी जाते हैं या फिर माता की चौकी में हम लोग शामिल होते हैं। इसके अलावा एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर आया है उसमें सीमा हैदर माथे पर माता की चुनरी बांधे हुए नजर तो आ ही रही है, इसके साथ साथ वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है। वीडियो के बारे में आपको विस्तार से बताएं, उससे पहले आप जरा ये वीडियो खुद देखिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो देखा आपने किस तरह से सीमा हैदर पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती हुई नजर आ रही है। एक तरफ अंजू है जो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान की आजादी का जश्न मनाती हुई नजर आती है, तो वहीं दूसरी तरफ सीमा हैदर भारत में रहकर भारतीयों के त्योहार मनाने लगी है, भारतीयों के इतिहास को जानने लगी है और इसमें इन्वॉल्व होती हुई नजर आ रही है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर जो ये वीडियो सामने आया इसकी लोग भर भर कर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तो सीमा को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और सीमा को वापस पाकिस्तान नहीं भेजा जाना चाहिए। एक बार फिर से देखिए सीमा किस तरह से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। तो देखा आपने किस तरह से सीमा बिल्कुल भारतीय रंग ढंग में दिखाई दे रही है। आपको बताते चले, अवैध तरीके से पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई थी सीमा हैदर, उसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल जांच एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं, लेकिन इन सब के बीच सीमा हैदर बार बार चिल्ला चिल्ला कर यही कह रही है कि उसे पाकिस्तान नहीं जाना। सुनिए सीमा हैदर ने यूपीएटीएस की पूछताछ के बाद क्या कुछ बयान दिया था। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। सच तो बोला, अब समझा पाए या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी, उन्होंने पूछा मैंने सच बोला, अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी जी, जब आप जब जहाँ चलती कैसे बात हुई कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर उसने नहीं लिया? ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूंगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, तो मैंने जो सच था वो बोला है। अगर जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे रिपोर्ट करते हैं वापस भेजते पाकिस्तान, आपको भी अगर भेजा गया? ऐसे कैसे करेंगे, मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ, आज यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा। बिलीव यकीन है मुझे, भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी ट्रस्ट है, तो मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू, पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे कि आप नाम बदल के रह रहे हैं, आधार कार्ड सचिन लेके गए थे, क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे, वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था पहली बात, उन्होंने लिखा ही नहीं था पहले ये थे, तो उन्होंने पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी, वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती, तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे, वो ज़ाहिर अब खुद को बचा। आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। हाँ बिल्कुल, मैं मनाती थी, दो मना चुकी हूँ मैं पीछे, वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही है। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी, मैंने दो साड़ी भी खरीदी थी। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है,
तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो, जिस तरह गलत गलत बोल रहे भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है जी। हम लोग यही, हमारी जाँच चल रही थी सर इसी कारण जी। बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था, सच की जीत होती है। और मुझे भरोसा है ना, बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन, बच्चे मेरे साथ नहीं थे।